हे गाइस, कैम चो फिर से एक नई वीडियो के साथ पार्ट टू में। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कैसे स्केटिंग सीखते हैं, कैसे चलाते हैं, सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बोला था कि मैं पार्ट टू बनाऊंगा, कैसे स्टंट करते हैं, कैसे मूवमेंट करना है आपको, कैसे सब कुछ सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये वीडियो को फॉलो करना, बेसिक स्टेप है, ईजी है, एकदम आप लोग एकदम आराम से सीख जाओगे। और पहली वीडियो मेरी काफ़ी अच्छे व्यू आए, आप लोग का थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ये वीडियो में भी वॉच करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों को। तो गाइस, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये देखो मैं खड़ा हूँ, वैसे मैं अभी मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मेरा मूवमेंट नहीं हो पा रहा, जो भी मैंने आपको स्टंट बताया वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम आपको स्पेस होना चाहिए 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर की आपको जगह होनी चाहिए उसमें, क्योंकि आप 15 मीटर की स्पीड आपको पिकअप करने के लिए आपको चाहिए, स्पीड लाने के लिए 15 से 20 मीटर चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो 5 मीटर बच्चे आपको वो स्टैंड मूवमेंट करते हुए ये पाए आपको, देखो ऐसे खड़े खड़े तो आप कोई नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कोई एडवांस वाला भी नहीं कर पाएगा। उसके लिए अपने को स्पीड चाहिए, तो स्पीड में पहले आप आओ तो इतनी आपको स्पेस होनी चाहिए। स्पेस तो बहुत हो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो अभी मेरे कैसे स्पेस है, काफ़ी स्पेस है, आप देख सकते हो यहाँ से भी और वहाँ से भी, ठीक है। तो ये इतना स्पेस हो, वो स्पेस की तो फिर कंटिन्यू जितना आपकी स्पीड होगी उतना अच्छा हो, आप मूवमेंट करते पाओगे, स्टैंड करते पाओगे, जैसा भी मैंने आपको सिखाया है और भी एडवांस है, ठीक है। तो पहले तो आप जगह थोड़ी इतना करना, कम से कम 20 मीटर 15 मीटर के आपकी स्पीड होए और आप 5 मीटर में आप स्टैंड जो भी है आप उतना कर सको, ठीक है। पहले ये ध्यान रखना। सो गाइस, ये ना जो मैंने आपका फर्स्ट स्टैंड बताया ये कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ, बेसिक एकदम ईजी है, आपको आ जाएगा, ठीक है। आपको जो मूवमेंट स्पीड पहले आपको पड़ा करना है 15 से 20 मीटर तक की, वहाँ से आपको पिकअप करते हुए स्पीड फिर आना है, इतनी स्पीड आपकी हो जाए कि आपको मूवमेंट करते फाए तो करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना है, स्पीड हो गई आपकी और ये वाला जो पैर है लेफ्ट वाला या राइट वाला, आप लेफ्ट ही हो कि राइट ही हो मेरे को नहीं पता, आपको वैसे करके ऐसे घूम जाना है, वैसे ही ऐसे, समझ गए। या पहले बेसिक अपस्टेप आप सीख सकते हो तो आप ये मूवमेंट आप खड़े खड़े कर सकते हो, या पहले खड़े खड़े सीखो फिर आप 15 से 20 मीटर की स्पीड में आप प्रैक्टिस करना। क्या करना है आपको, यूं आए, आप यूं आए, ठीक है, आके यूं घूम के फिर वैसे डबल राउंड मार देना है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट, ये आप कर लेना बेसिक, पहले प्रैक्टिस ऐसे करना खड़े खड़े, ठीक है, ओके। और ये वाला जो मैंने आपको दूसरा बताया, ठीक है, इससे जो पूरा पैर खोलने वाला, इसका आपको फ्लेक्सिबल होनी चाहिए बॉडी, ठीक है। तो आप पहले तो घर पे या बाहर कहीं भी आप फ्लेक्सिबल के लिए आप प्रैक्टिस करो पकड़ के ऐसे, ये आपका पैर के मूवमेंट होनी चाहिए, या तो ये या तो लेफ्ट या तो राइट, मेरे को इधर साइड का फाटा है तो मैं इधर साइड का करता हूँ ऐसे, अगर आपके जितना फ्लेक्सिबल हो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप पहले ये मूवमेंट करना बेसिक, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट स्पीड पकड़ा, 15 से 20 मीटर के आपके पास स्पेस कम है तो 15-20 मीटर होना चाहिए, उसके बाद स्पेस पकड़ के आप जगह ऐसे फिर ऐसे खोल के सीधा सीधा आपको चले जाना है, ठीक है। जैसा मैंने बताया ये भी बेसिक हो गया, सेकंड कि आपको बताता हूँ मैं थर्ड, ये रही अपना थर्ड, तीसरा वाला जो मैंने आपको स्टैंड बताया, ये कैसा आपको सिंगल है, थोड़ा आपको कन्फ्यूज हो रहे होगा कि मैं सिंगल कैसे करूं, दो पैर से नहीं फा रहे कि एक पैर से कि मुझे कैसे फाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले प्रैक्टिस कर लेना है, ऐसे चला रहे हो आप ऐसे धीरे धीरे चला के, ठीक है, ऐसे सिंगल सिंगल आप कर देने का, थोड़ी थोड़ी दूर का आपको कर लेना है, जरा जरा सीधे ऐसे, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर स्पीड में करना है, ठीक है, ऐसे फिर थोड़ा स्पीड में करना है, ऐसे कुछ भी नहीं है इसमें, फिर आपको थोड़ा थोड़ा जरा जरा सी में प्रैक्टिस करना है, ऐसे बैलेंस आपको बना के रखना है, हाथ अगर ऐसा है तो ऐसे कर लेना आपको हाथ, उसके बाद आपको लग रहा है कि थोड़ी देर और मेरा हो सकता है तो आप फिर स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ा के ठीक है, अभी तक मैं सीधा खड़ा हूँ, ठीक है। सो ये थोड़ा टफ है, सिंगल है क्योंकि, तो इसमें आप ये देखना कि आपके खड्डे अड्डे ज्यादा इस टाइप के होए ना, ये होंगे तो आप गिरने का आपका सिंगल में ज्यादा चांस रहेगा, डबल में तो रहता है बस सिंगल में ज्यादा रहेगा, इधर भी काफी सारे खड्डे आपको दिख रहे हैं पर मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ, अब वो
अब वो आपको एडजस्ट करना है, ठीक है, कि खड्डे से बच के करो, क्योंकि सिंगल देगा, अगर मैं सिंगल में ऐसे चलाऊंगा तो देखो मेरे गिर सकता हूँ, तो इससे थोड़ा बचना, प्लेन हो उस पर चलाना, सिंगल वाला खास करके। तो ये भी इजी है, आपने ये वाला भी सीख लिया है। अभी मैं चौथा आपको बता रहा हूँ, सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट वाला मोमेंट है जो स्टैंड है सिंगल पैर से पूरा राउंड करने का, ठीक है, वो उस पर फोकस है। सो ये है फोर्थ अपना, ये लास्ट वाला मोमेंट है, सबसे बेस्ट मेरा है, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइट थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए स्पीड पे थोड़ा स्लो रखना है वैसे जैसा मैंने आपको बताया, और थोड़ा झुक जाना है दोनों पैर से, और ऐसा पैर पहले खोल देना है, तो पहले आपको प्रैक्टिस यही करना है। ऐसे आए सीधा बैठ गए, वाला पैर सीधा या लाइट वाला या राइट वाला या लेफ्ट वाला, ठीक है, ऐसा आपको पहले प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद आपको, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपने आए और स्पीड पकड़ के ये यूँ करें, पैर इसको दबा लेना, ठीक है, ये इसको है ना यहाँ से नीचे से हील पे से दबा देना है। अभी मैं आपको स्पीड में बताता हूँ, वैसा प्रैक्टिस कर लेना हो जाएगा। चलो अभी स्पीड में अपने आ रहे, ठीक है, स्पीड अपने कर लिए 15 से 20 मीटर की। अब मैं आया और ये पैर यहाँ रख दिया और ये मूवमेंट पूरा कर लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी है, आपको जैसे बता रहा हूँ वो आप वैसे फॉलो करो, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूज हो रही है, इसमें भी अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम जो भी आ रही है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट्स करो, कमेंट्स में बताओ आपको मेरे को नीफ आ रहा है जो भी स्टैंड फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फोर्थ तक मैंने बताया आपको, ठीक है, तो आप कमेंट्स करो, या आप मेरे इंस्टाग्राम आई टी पेस्टिन क्रेजी बॉय पे आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली मैसेज का रिप्लाई भी दूंगा, मैं आपको पूरा डीपली बता भी दूंगा, ठीक है। सो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया, बहुत मेहनत से आपको बताया, आप लोग देख सकते हो बेसिक स्टेप बता दिया एडवांस वाले के, तो आप लोग करो यही। सो आप लोग चाहते हो कि और मैं वीडियो ऐसे ही बनाऊं, ठीक है, और मैं बनाऊंगा, सो आप लोग 5K या 10K तक दे देना व्यू, ठीक है। और अगर आपको बेसिक आपने नहीं सीखे तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाया हूँ, उसमें भी काफ़ी अच्छा आप लोगों ने प्यार करे, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो रख देता हूँ, आप लोग वॉच कर लेना, इसके अंदर सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो वो भी है कि कैसे स्केटिंग चलाने सीखते हो, आप एक हफ्ते 10 दिन के अंदर सीख लोगे, तो पहले आप वो अगर नहीं आपने नहीं सीखे तो पहले आप वो सीखो, उसके बाद फिर ये एडवांस वाला आप महीने के अंदर आराम से चलाना सीख जाओगे। आई होप यू गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी मैंने सिखाया आपको बेसिक स्टेप, ठीक है, ये सब आप फॉलो करना, तो स्टैंड जो भी आपको मैंने बताया वो आप आराम से फॉलो कर पाओगे, और इसको आराम से आप करके फिर आप एडवांस में स्केटिंग में स्टैंड कहीं पे भी आप स्टैंड, आपको ये बेसिक स्टेप जो आपको मैंने बताया वो सब फॉलो करो, बहुत इजी है, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो मैं और लाते रहूँगा, ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और लाइक भी जरूर करना, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। ऐसे ही मैं और स्टैंड वाली वीडियो में और लाऊंगा वीडियो, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।